नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागिंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 172 वर्षों के बाद 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन ये 6 राशियां होने जा रही हैं करोड़पति। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्षीय तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है। त्रेता और सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे महान तिथि भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, तप, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, एक सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी हैं, यानी कि माता पार्वती की भी इस दिन पूजा की जाती है लक्ष्मी जी के साथ साथ। तृतीया तिथि को पार्वती जी ने अमोघ फल देने के समर्थ का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया जाता है। कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता, जो भी कार्य करेंगे निष्फल नहीं होगा। जैसे व्यापार आरंभ करना, गृह प्रवेश, वैवाहिक जीवन, कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अच्छे रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार आदि के कारण होने वाले पाप का कर्मफल इसी तरह अच्छे रहता है। इसलिए शास्त्रोगत मनुष्य को इस दिन बहुत सावधानी, संयम और नियम के साथ रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने स्वजनों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो ईश्वर उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर दें। धर्मराज को इस तिथि का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं, कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का सुख चाहती है तो उसे यह व्रत करते हुए नमक या पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, यानी कि नमक का इस दिन सेवन ना करें। स्वयं मैं भी इस व्रत को करके भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हूँ, ये माता पार्वती कहती हैं। विवाह योग्य कन्याएं और युवक को उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रहे हैं वो स्त्री पुरुष इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पत्नी इंद्राणी इसी व्रत के पुण्य प्रताप से जयंत नाम के पुत्र की प्राप्ति यानी माँ बनी थी। देवी अरुंधति भी यही व्रत करके अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। और प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी इसी व्रत के कारण अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी रही। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति करने के लिए सभी स्त्री इस व्रत को अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण की रक्षा कर संकल्प लेने हेतु पीपल, गुलर, बरगद, आम या आमले का, बेल का, जामुन, नीम का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों का दर्शन होता है। दोस्तों, साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग बन रहा है, कई शुभ योग हो रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर पूरे 172 सालों के बाद कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। 3 राजयोग का निर्माण और 2 धनयोग का निर्माण हो रहा है और दुर्लभ संयोग के चलते अक्षय तृतीया पर किए गए दान पुण्य पूजन कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती और कुबेर देव जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे सबसे पहले नित्य कर्म करें, निवृत्त होकर फिर साफ सफाई करें, घर में गंगा जल से पवित्र करें, छिड़काव करें, हो सके तो इस दिन गंगा जल से स्नान करें, थोड़ा सा जल डालकर नहाने वाली पानी में स्नान करें, फिर घर में यानी कि आप
नहा धोकर पूजा पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि अक्षय तृतीया का पावन पर्व माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित है। पूजा पाठ बैठकर करें और फिर मंत्र का जाप करें, और फिर आप इस दिन माता लक्ष्मी जी के संकल्प हेतु कुछ दान दक्षिणा करें, यानी कि इस दिन दान जरूर करें। अगर किसी तीर्थ सरोवर में नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही नहाएं। दूध दही शक्कर शहद घी से पंचामृत बनाकर स्नान कराएं भगवान विष्णु को, और फिर इस दिन शिव जी को भी एक लोटा जल जरूर दें। भगवान गणेश जी को भी कुमकुम का तिलक करें। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं, क्योंकि इस बार कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो वह कौन सी राशियां हैं जो इस बार अक्षय तृतीया के दिन मालामाल करोड़पति होने वाली हैं, जिनको विशेष धन लाभ होने वाला है, जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया के दिन ये राशियां होने जा रही हैं मालामाल। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली राशि का जो नाम आता है वो मेष राशि का। मेष राशि वालों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। माता लक्ष्मी कृपा से धन धान में बरकत होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, कई बड़े अच्छे लाभ होंगे। जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। धन प्राप्ति के मार्ग में जो कुछ भी रुकावटें थी वह दूर होंगी। माता लक्ष्मी कृपा से आवक बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, व्यापार तेजी से चलेगा। कारोबारी हैं तो कारोबार से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं। महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिलेंगे, निश्चित ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और नई जॉब की संभावना है। व्यापार में भी आपको विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। कारोबार से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ होंगे, और अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना तो वो कार्य बनेगा। नई जॉब की संभावना बनेगी। माता लक्ष्मी कृपा से विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। अगली जो राशि का नाम आता है दूसरी, वो है दोस्त बता दे कन्या राशि। कन्या राशि को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। इनकम बढ़ेगा, लॉटरी सट्टा में लाभ होगा, शेयर मार्केट में विशेष लाभ होगा। बता दें कि धन प्राप्ति के मार्ग में जो रुकावटें थी वो परेशानी थी, अब वो माता लक्ष्मी कृपा से दूर होगी। अक्षय तृतीया के दिन आपके इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी। धन लाभ के कई बड़े अच्छे सुनहरे मौके मिलेंगे। जो कुछ भी समस्याएं थी, परेशानियां थी, दूर होगी। इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी। धन लाभ के कई योग बन रहे हैं। लगातार आमदनी में वृद्धि होगी। धन व्यापार में आपको तेजी से मुनाफा देखने को मिलेगा। आपका करियर यानी कि इसमें तेजी चलेगा। जो कुछ भी समस्याएं थी, परेशानियां थी, दूर होगी। और पार्टनर में कोई काम करते हैं तो इसमें पारदर्शिता रखनी होगी। घर परिवार में सुलह होगी। जो मतभेद थे, जो कुछ समस्याएं थी, दूर होगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। अगली तीसरी राशि है दोस्तों इस लिस्ट में, वो है तुला राशि। तुला राशि को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भी बरसेगी। इनकम में बढ़ोतरी होगी, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा। लोन की मंजूर होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। कारोबारी हैं तो कारोबार से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेगा, और अगर विदेश में रहते हैं तो गुड न्यूज प्राप्त होगी। जो लोग स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण एग्जाम दे सकते हैं, कंपटीशन वगैरह में बैठ सकते हैं। साथ ही घर परिवार का सपोर्ट में होगा। इनकम में बढ़ोतरी होगी। इसमें यात्रा यानी आप व्यापार के सिलसिले में या फिर कैरियर के सिलसिले में ट्रेवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, और इसमें कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा। घर में किसी महत्वपूर्ण मेहमान का आगमन होगा तेजी से, जो आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगा। लंबे समय से अधूरे कार्य पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। चौथी राशि आती है दोस्तों बता दें मकर राशि। मकर राशि को इस बार अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा बनी रहेगी। संतान की प्राप्ति होगी, मित्रजनों का सहयोग प्राप्त होगा, पिता के सेहत में सुधार, माता जी का आशीर्वाद भी बनेगा, भाई बहनों में भी सुलह होती नजर आएगी, कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे, जो कार्य नहीं बन पा रहे थे वो कार्य बनेंगे। महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त होंगी। धन प्राप्ति के मार्ग में लगातार आय में वृद्धि होगी, और इसमें कई बड़े धन के स्रोत नजर आएंगे। बता दें कि इसमें मैनेजमेंट के क्षेत्र में जुड़े जातकों को लाभ होगा। व्यापार कर रहे हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर या फिर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह का, तो विशेष लाभ होगा। अब पांचवी राशि है मीन राशि। मीन राशि के आपको बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी। लगातार आय में वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी दूर होगी। माँ लक्ष्मी कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। तेजी से धन का आगमन होगा। जमीन प्रॉपर्टी अर्जित करते नजर आएंगे। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कहीं पर अटका हुआ था पैसा तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लोन वगैरह मंजूर होगा, जो आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगा। कई बड़े अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं।
निश्चित यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, गोल्डन पीरियड साबित होगा, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। अब छठवीं राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की खास कृपा रहेगी, नई जॉब की संभावना है, नई जॉब में परिवर्तन होगा, उच्च पद की प्राप्ति, प्रमोशन के योग और बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा या फिर कोई मुख्य कागजात पूरा होगा। और साथ ही साथ इसमें यात्रा करते समय सावधानी बरतें, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, घर के सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ इसमें किसी महत्वपूर्ण रसूखदार या फिर किसी भी घर के बड़े लोगों का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही इसमें लेन देन किसी से ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, लेन देन करते समय सावधानी बरतें। तो दोस्तों ये छह राशियां इस बार अक्षय तृतीया पर बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है, इनको करोड़ों का धन मिलने वाला है, इनको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी।